दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम कटिंग और स्टिचिंग करेंगे शॉर्ट नेक कट शेप। आगे से जो कमर में कट शेप लगा हुआ होता है और नेक जिसका छोटा होता है, और बैक साइड में जो ओपन ब्लाउज होता है, बैक साइड ओपन, फ्रंट शॉर्ट नेक और कमर में कट शेप, इस ब्लाउज की हम कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। और स्लीवलेस ब्लाउज होगा, तो आइए देखते हैं। और फर्मा कटिंग करने के बाद हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम फर्मा कटिंग करेंगे परफेक्टली, इसके बाद हम कपड़े पे कटिंग करेंगे, उसके बाद हम मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। बहुत ही सरल है, इजी है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको बहुत सारे डिजाइनर ब्लाउज के पैटर्न्स बताऊंगी, जो अलग अलग पैटर्न से कटिंग और स्टिचिंग होते हैं और जिनकी कटिंग स्टिचिंग की ट्यूटोरियल बहुत ही इजी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी हम फर्मा कटिंग यहाँ पे, उसके बाद में मैं आपको डायरेक्टली कपड़े पे कटिंग करना बताऊंगी कि कपड़े पे कटिंग करते समय हमें किन बातों का ध्यान करना चाहिए और कितना ब्लाउज को एक्स्ट्रा लिया जाता है जब कटिंग करते हैं तो पार्ट्स को, ताकि हमारे ब्लाउज की लेंथ कम ना हो, हमारे ब्लाउज का शेप खराब ना हो। तो आइए कटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारी ब्लाउज की लेंथ साइज होगी 15 इंच, क्योंकि यहाँ पे हम 1 इंच का आगे से जो कट शेप लगाएंगे, तो यहाँ पे मैंने 15 इंच तैयार करना है टोटल लेंथ में, तो मैं 15+ हाफ ले रही हूँ। यहाँ पे भी मैं 5 इंच का शोल्डर लूंगी, वैसे 32 तक लेते हैं, या फिर ये जो नेक है वो 9 इंच का है, इसलिए मैंने 5 इंच जो है शोल्डर लिए हैं। 2.5 इंच नेक विड्थ लूंगी, 5 इंच शोल्डर, 6 इंच आर्मोल, चेस्ट है 32, शेप है प्रिंसेस कट शेप, ठीक है। 34 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लेते हैं 34 का फोर्थ पार्ट प्लस 1/2 इंच, हो गया है 9 इंच। यहाँ पे हम 1/4 इंच का कर्व लगाएंगे, राउंड शेप लगाएंगे, गोलाई देंगे, ये हमारी आगे की गोलाई होगी, वो होगी कुछ इस तरह से, और ये हमारी बैक साइड की गोलाई होगी, वो होगी कुछ इस तरह से, यानी 1/2 इंच ही फालतू होती है। बैक साइड में हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा देना होता है और फिटिंग पॉइंट से पहले पहले इसको मिला देना होता है। ये देखिए आप फिटिंग पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे नेक जो है शॉर्ट है, यानी 5 इंच ले रहे हैं, आगे का जो नेक है वो शॉर्ट है, बैक साइड का जो नेक है वो है 9 इंच। आप इसको 9.5 तक रख सकते हो, ये इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, कोई भी आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी 10 इंच तक। इसके बाद में आपको थोड़ा सा शोल्डर और कम कर लेना होता है, अगर 11 इंच आप नेक रखते हो तो। बिल्कुल हल्का सा मैं यहाँ पे शेप लगाऊंगी। अब बैक साइड की पार्ट्स की कटिंग नहीं कर रही हूँ, बैक साइड पार्ट्स में इतना ही होता है सिर्फ, जैसे यहाँ पे 8.5 लेना आपको बिल्कुल बराबर में चेस्ट के अंदर, और फिर 2 इंच मार्जिन लेना होता है, ठीक है। यहाँ पे आगे के पार्ट्स में प्लस 1/2 इंच लेते हैं, फिर 2 इंच मार्जिन लेते हैं। कमर में बैक साइड के पार्ट्स में कितना लेंगे, कमर है जैसे 30 इंच, तो 7.5 और प्लस टक्स का 1/2 इंच 8 इंच लेना होता है, बैक साइड पार्ट्स की बता रही हूँ आपको मैं, और फिर 2 इंच का मार्जिन लेना होता है। ये हमारा बैक साइड पार्ट्स होगा। अब आप इसको इस पॉइंट में मिलाएंगे फिटिंग पॉइंट में, इस पॉइंट को फिटिंग में, और ये जो मार्जिन का पॉइंट है इसको आप मार्जिन पॉइंट में मिला देंगे, तो ये आपका यहाँ पे बैक साइड पार्ट्स कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे डार्ट लगा देते हो 3.5 इंच की दूरी से, और 1/2 इंच की ये डार्ट की चौड़ाई होगी, जैसे ये 3.5 इंच की दूरी है, 1/4 इंच इस तरफ और 1/4 इंच इस तरफ, टोटल ये 1/2 इंच की चौड़ाई की ये डार्ट आप लगाएंगे यहाँ पे, और वो डार्ट होगी आपकी लगभग 4 इंच की, ठीक है। तो ये आपका बैक साइड पार्ट्स कंप्लीट हो गया। अब मुझे यहाँ पे आपको आगे का पार्ट्स की कटिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंसेस कट 2 पीस पार्ट्स है, यहाँ पे कट शेप लगाएंगे हम। तो अब देखिए यहाँ पे कमर है हमारी 30, तो 30 का फोर्थ भाग हो गया 7.5, यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ये हो गया 9.5, और 1/4 इंच हुक पट्टी की सीम के लिए 10.5 इंच पे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है, फिर 2 इंच का मैं यहाँ पे मार्जिन ले रही हूँ। तो अब देखिए आप इस फिटिंग पॉइंट को, ये हो गया 10.5 का पॉइंट और ये हो गया 2 इंच का मार्जिन। अब हमने 10.5 किस अकॉर्डिंग लिया है तो आपको बताऊं, 7.5 इंच हो गया है, 7.5 हो गया है चेस्ट का, कमर का फोर्थ पार्ट,
टू इंच हमने प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए एक्स्ट्रा लिया है, क्वार्टर इंच हमने हुक और कढ़ाई की पट्टी स्टिच करने के अकॉर्डिंग लिया है, और ये हमारा 2 इंच का मार्जिन हो गया है। अब यहाँ पे हम प्रिंसेस कट की कटिंग कर रहे हैं, बैक साइड का तो मैंने आपको समझा ही दिया। 34 का 10वां भाग हो गया 3/40, उसके बाद में हम क्वार्टर इंच ऐड करेंगे तो 4.25 हो गया है, 4.25 पे पॉइंट करेंगे, और इससे थोड़ा सा ऊपर हम 3.25 पे या फिर आप 3 इंच पे पॉइंट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, जो हमारी आर्म होल लाइन होती है यहाँ से हम इसको 9 इंच 4.5 इंच पे पॉइंट लगा देते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे 4.5 का पॉइंट हो गया है। बैक साइड की गले की आप मत देखिए क्योंकि बैक साइड पार्ट्स का हो था, हमारा ये वाला नेक है क्योंकि हम आगे के पार्ट्स की यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं, और ये वाला हमारा जो डार्क आपको दिखाई देगा वो आगे का मैं बता रही हूँ क्योंकि बैक साइड का मैंने आपको हल्के से बता दिया है, और नॉर्मली बैक साइड के पार्ट्स की अलग से कटिंग भी दी हुई है मैंने, तो उसको देख करके भी आप किसी भी बैक साइड पार्ट्स को कटिंग कर सकते हैं कि बैक साइड पार्ट्स की कटिंग कैसे करें, इस प्रकार से आप वीडियो देखें। और स्लीव्स की परफेक्ट कटिंग के लिए आप परफेक्ट स्लीव्स कटिंग ऐसा लिख करके सर्च करें, आपको संचेत फैशन डिजाइनर पे ये वीडियो मिलेगी, आप उनसे अच्छे से लर्न कर सकते हो। अब यहाँ पे हम 4.25 का पॉइंट देखते हैं कौन सा है, तो ये वाला हमारा 4.25 का पॉइंट है। अब इस पॉइंट को हम इस प्रकार से मिलाते हुए और ऐसे मिलाते हुए और ऊपर तक मिलाएंगे, तो ये देखिए मिला दिया है हमने। यहाँ पे मैं 1/2 इंच ऐड करूंगी, इसको थोड़ा सा डार्क भी कर लेती हूँ मैं पहले, तो ये मैंने लाइन को डार्क कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसको हल्का सा ऐसे लगाऊंगी 1/4 इंच, और इस तरफ से भी हल्का सा 1/4 इंच यानी 1/2 इंच के अंदर अंदर मैंने ही यहाँ पे यूज कर दिया है, और ये थोड़ा सा वेस्टेज निकाल भी दूंगी। यहाँ मुझे कितना लेना है, तो यहाँ मुझे लेना है 2 इंच, 1 इंच इस तरफ और 1 इंच इस तरफ, ठीक है। और इसको हम कुछ इस तरह से मिला देंगे क्योंकि ये जो पार्ट्स होगा ये आपका वेस्टेज होगा, इसको आपको निकालना होगा, तो इसको मैं हाथ से ही ड्रॉ कर रही हूँ, न कि मैं इंची टेप से, न कि मैं फिट से, न कि मैं स्केल से, किसी भी चीज़ का ना यूज करते हुए मैं अपने हाथों से ही राउंड शेप देने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो इसकी फिनिशिंग है ब्लाउज की बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पे हमने इसको ऐड कर लिया है, ठीक है। अब ये पार्ट्स आपका वेस्टेज होगा, तो ये आपने देखा। अब जो हमें आगे का शेप लगाना है वो कितना लगाएंगे, तो यहाँ पे मैं देखो 1 इंच के पॉइंट कर रही हूँ क्योंकि मुझे 1 इंच इसको छोटा करना है आगे से जो कट शेप, तो आप देख सकते हैं इसको जैसे हमारा कट शेप होता है वैसे मैंने इसको यहाँ पे कटिंग कट कर देना है, तो ये हमारे ब्लाउज का आगे का कट शेप होगा। अब मैं इन पार्ट्स की कटिंग करूंगी, फिर मैं आपको कपड़े पे इसकी कटिंग बताऊंगी कि आपको कपड़े पे कैसे कटिंग करना है, फिर मैं आपको स्टिचिंग भी बताऊंगी। यहाँ से 1/4 इंच का शेप जो है यहाँ से निकाल दिया है। अब जो ये नीचे का शेप है ये वाला 2 इंच का, ये मुझे यहाँ से निकालना है, तो ये मैंने यहाँ से ऐसे राउंड में निकाल दिया है, ठीक है। हमारे दोनों पार्ट्स अलग अलग हो गए हैं। अब ये जो आपका कट शेप है ब्लाउज का आगे का, उसको आपको ऐसे निकालना है 1 इंच के अकॉर्डिंग। अब आप देख सकते हैं कि आपके ब्लाउज का जो शेप होगा वो इस तरह से होगा, आगे से इस प्रकार से ऊंचा होगा हमारी चेस्ट के अंदर में, तो ऐसे ये वाला जो शेप हम हुक और पट्टी के अंदर आपको यहाँ पे नजर आएगा। अब इसको हमें कपड़े पे कैसे कटिंग करना है, कितना एक्स्ट्रा लेना है, तो देखिए अब ये हमारे दोनों पार्ट्स हैं, इनको यहाँ से बराबर, यहाँ से हमें बराबर लेना है, नेकलाइन से भी बराबर लेंगे, शोल्डर और आर्मोल साइड ये भी बराबर लेंगे। ये जो सीम की साइड है यहाँ पे हम प्रिंसेस कट पार्ट्स को जॉइंट करेंगे, तो ये मैंने 1/4 इंच एक्स्ट्रा आपके सामने लिया हुआ है और इसको मैंने यहाँ तक लेना है। इसको आप जैसे ये तिरछा है ना इस तरह से लेना है ताकि यहाँ से आपको कम ना हो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से भी आपको 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए ऊपर तक जो दोनों को अटैच करेंगे दोनों साइडें 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, जितने की आपकी सिलाई का जो आपका स्टेप हो सिलाई का 1/4 इंच का, 1/4 इंच से कम, 1/4 इंच से ज्यादा या फिर 1/2 इंच का, उतना आप
सिलाई का एक्स्ट्रा ले ले। यही इस पार्ट्स का जो है वो परफेक्ट कटिंग का तरीका है। यहाँ पे ये जो शेप लगाया हुआ है, तो ये शेप कट प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग विदाउट स्लीव है और ये परफेक्ट कटिंग है। इसकी आप कटिंग करें, स्टिचिंग करें, फिर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।